तो गाइस सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX सीजन, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ द समर स्लैम 2022। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा वो भी जरूर देखा, आई बटन पर लिंक मिल जाएगा या फिर आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। नाउ लेट्स बैक टू द अदर मैचेस जो कि हुए, जैसे कि पैट मैकेफी वर्सेस हैप्पी कॉर्बिन के बीच मैच देखने को मिला, जिससे लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी कि चलो हां एंटरटेनिंग तो होगा, एंड नॉट गोना लाइ इट वाज डीसेंट। बट अगेन अगर आप मेरे को बोलोगे कि हां मेरे को इसको रेट करना हो अगेंस्ट लोगन पॉल एंड मिज, आई वुड से कि अगर इन दोनों में से मेरे को पिक करना होगा आई वुड पिक लोगन पॉल वर्सेस मिज, क्योंकि फॉर मी एक स्टार बना, फॉर मी पैट मैकेफी इज ऑलरेडी अ स्टार, बट लोगन पॉल आज मेरे लिए स्टार बन गया जब उसने सिंगल्स कॉम्पिटिशन में ऐसा रिएक्शन डिराइव करवाया जो कि बहुत कम रेसलर कर पाते हैं। एंड व्हेन आई से रेसलर आई मीन एक्चुअली ट्रेंड एथलीट्स, रेसलर्स जो कि बहुत टाइम से इस बिजनेस में, जो कि अपने फिनिशर्स को ऐसे ही स्पैम करते रहते हैं, एंड देन कम्स अ गाय जो कि एक्चुअली में अपने फिनिशर से ये रिएक्शन ला पाता है, बहुत कम लोग ये कर पाते हैं। तो इसीलिए फॉर दैट रीजन लोगन पॉल एंड मिज का ये मैच मेरे लिए पैट मैकेफी एंड कॉर्बिन के मैच से ज्यादा अच्छा रहेगा। हाउएवर पैट मैकेफी वर्सेस कॉर्बिन का इन जनरली मैच मेरे को उतना कुछ खास लगा नहीं था, और इस मैच में लो से एंडिंग हुई थी, तो आई थिंक कि ये वाला मैच जो है विंस मैकमैन ही बुक करके चले गए। ही वाज लाइक कि भाई देखो यार ट्रिपल एच तुम क्रिएटिव पोजीशन तो ले रहे हो, लेकिन एक मैच में तो मेरी चलनी चाहिए, पैट मैकेफी वर्सेस कॉर्बिन मुझे दे दो, बाकी तुम हैंडल करते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो या इट वाज नॉट दैट ग्रेट फॉर मी एट लीस्ट, बट हाँ जरूरी नहीं है कि सारे मैच अच्छे होंगे यार, ऐसा जरूरी भी नहीं है। कोई मेन इवेंट होगा, कोई मिड कार्ड होगा, कोई लोअर कार्ड होगा, और उसमें से अगर हर परफॉर्म करने लग गया तो फिर मेन इवेंट और उसमें फिर अंतर ही क्या रह जाएगा। देन केम द उसोस वर्सेस द स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच टैग टीम चैंपियनशिप मैच अनडिस्प्यूटेड वाली, वो भी जेफ जैरेट विद द स्पेशल गेस्ट रेफरी। अगेन जेफ जैरेट केम विद दैट स्टूपिड थीम सॉन्ग जो भी हो उनका, टिंग टिंग टिंग, आई डोंट नो मैन। द उसोस एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने जो मनी इन द बैंक में किया था उसके बाद से एक्सपेक्टेशंस वर वेरी हाई, एंड आई एम सरप्राइज टू सी कि लाइक बोथ बेकी एंड बियांका उसोस एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स, जिनसे इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी एंड दे कैन डू इट, आई एम स्टिल सेइंग कि दे कैन डू इट, इट्स नॉट कि अरे भाई उनसे तो हो ही नहीं पाया। आई डोंट नो कि उनकी प्लानिंग क्या थी, हो सकता है कि आई डोंट नो मैन कि क्या गलत गया, बिकॉज जो भी मनी इन द बैंक में हुआ या फिर पहले मैचेस में हुआ वो इस बार आउटशाइन नहीं कर पाए इवन उसोज एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स। आई वॉज लिटरली एक्सपेक्टिंग 5-star मैच फ्रॉम हियर, एंड जेफ जैरेट का इसमें आना भी इतना कूल नहीं था, है ना, मतलब ऐसा लगा था कि जेफ जैरेट है तो कुछ अलग ही चीज़ हो जाएगी, कुछ अलग चीज़ हुई नहीं, एंड उसोज ने बहुत ईजिली मैच जीता। हाउएवर लाइक स्ट्रीट प्रॉफिट्स तो एक अलग ही स्टार बन के निकल गए, मेरे को लगता है कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स अब WWE में लॉन्ग टर्म के लिए, पीपल आर सेइंग कि मोंटेस फोर्ड को सोलो जाना चाहिए, सोलो जाना चाहिए। आई एम लाइक अगर आप मोंटेस फोर्ड को सोलो भेज रहे हो देन एंजेलो डॉकिंस का वही वाला हाल होगा जो कि टक्कर का हुआ था, क्योंकि जितनी जल्दी आप एक को स्टार बनाते हो तो दूसरा स्टार जो है वो बहुत जल्दी निकल लेता है। तो आई डोंट वॉन्ट दैट, आई रियली थिंक कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स अभी ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं, स्पेशली कंसिडरिंग कि वैसे ही ऑलरेडी टैग टीम्स की काफी कमी है, मतलब अगर दो चैंपियनशिप्स है तो ऐसे में इतनी टैग टीम्स तो होनी चाहिए ना कि दो चैंपियनशिप्स लायक लगे। तो ऐसे में उसोज ने यहाँ पर टाइटल रिटेन करके एटलीस्ट ये तो बता दिया कि रोमन रेंज जो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएगा, बिकॉज हमारा ये था कि अगर उसोस पहले ही हार गए तो फिर दिक्कत होने वाली है रोमन रेंज को, रोमन रेंज फिर उस माइंडसेट से नहीं खेल पाएंगे और शायद अपनी टाइटल भी लूज कर जाए। बट ब्लड लाइन में अभी 4 टाइटल्स ऑलरेडी रिटेन्ड हैं, अभी सिर्फ 2 टाइटल और रिटेन करनी है, एंड दैट इज रोमन रेंज, वो मेन इवेंट में आने वाला है। बट देन कम्स लिव मॉर्गन वर्सेस रोंडा राउजी फॉर द स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप, और ये वाला जो मैच था ये भी मेरे को लगा कि अच्छा, एक बात है कि जो फर्स्ट हाफ में हमें मैचेस देखने को मिले थे वो कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थे कंपेयर टू यू नो 5th, 6th और 7th मैच जो कि लिव मॉर्गन उसोज एंड पैट मैकेफी का मैच था। खैर लिव मॉर्गन एंड रोंडा राउजी को भी अगर मैं बियांका के मैच से कंपेयर करूँ आई वुड पिक बियांका वाला मैच। लिव मॉर्गन ने यहाँ पर रोंडा राउजी को जिस तरह से हराया वो भी 5 मिनट के अंदर, दैट वॉज स्ट्रेट बुलशिट, बिकॉज कंसिडरिंग कि आपको मेन इवेंट से पहले का स्पॉट मिला है, समझ रहे हो, मतलब सेकेंड लास्ट स्पॉट मिलना बहुत ही ज़्यादा खास बात होती है। एंड लिव मॉर्गन का ये भी है कि लाइक लोग ऑलरेडी लिख रहे थे कि लिव मॉर्गन को कितना ही चैंपियन बना लो, कितना ही वो कर लो, ये मैच बिल्कुल गंदा ही देने वाली है। अभी ये मैं नहीं कह रहा, ये मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा, मेरे को तो ये कि 5 मिनट के अंदर तो वैसे भी क्या ही हो जाता, और ऊपर से इंजरी का एंगल दिखा रहे थे, रोंडा राउजी ने हाथ तोड़ दिया ना। मैंने कल कहा था कि इसमें हम जो देखने वाली बात होगी वो होगा रोंडा राउजी का हील टर्न, एंड दैट्स व्हाट
एग्जैक्टली हैपेंड, रोंडा राउजी का हिल टर्न हुआ, बट लाइक सर्कमस्टांसेस थे ना वो, क्योंकि लिव मॉर्गन टैप कर चुकी थी ऑलरेडी, एंड दिस हैपन्स विद रोंडा राउजी. रेसलमेनिया 35 उसमें भी ये चीज़ देखने को मिली थी, और आज भी ये चीज़ देखने को मिली कि रोंडा राउजी ने अपने सबमिशन में फंसा रखा आमबार में, लिव मॉर्गन ने टैप कर दिया, लेकिन एट द सेम टाइम रेफरी इज यू नो काउंटिंग और 1, 2, 3 पे पिन हो गई रोंडा राउजी, हालांकि 3 से पहले ही लिव मॉर्गन ने टैप आउट कर दिया था. तो अगर रेफरी ध्यान देता तो शायद से रोंडा राउजी चैंपियन बन जाती, और क्योंकि ये नहीं हुआ तो इसीलिए रोंडा राउजी को गुस्सा आया और हील टर्न ले लिया. वेरी वेल डिजर्विंग ऑफकोर्स, वाई नॉट, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी. और इसके बाद लोगों का एक्सपेक्टेशन थी कि साशा बैंक्स आएगी, बट नहीं आई. मतलब मेरे को ये था कि लोगों को शायद एक्सपेक्टेशन होगा, इसलिए मैंने ट्विटर पर भी डाल दिया कि अगर साशा बैंक्स आ गई तो जो भी इस ट्वीट को लाइक करेगा उसमें से एक बंदे को 501 रुपया देने वालों. थैंक गॉड वो पैसे बच गए क्योंकि नहीं आई, बट हाँ ठीक है यार, इट वॉज डिसेंट. अगेन एज आई एम सेइंग कि भैया पहले के इतने सारे अच्छे ऑलरेडी मोमेंट्स हो गए, जरूरी नहीं कि सारे मोमेंट्स अच्छे हों. एंड लिव मॉर्गन वर्सेस रोंडा राउजी से तो वैसे भी उतनी उम्मीदें थी नहीं. एंड नाउ कम टू ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस. ब्रो ओह मैन, आई डोंट नो व्हाट टू से. आई थिंक जिस स्पीड में मैं बोल रहा हूँ, आई डोंट थिंक सो कि वो जस्टिफाई करती है. जो भी मैंने देखा, जो भी मैंने विटनेस किया बिटवीन दीज टू जायंट्स कोलाइडिंग, भाई ब्रॉक लेसनर केम विद द ट्रैक्टर, अपने फार्मर पर्सोना को जिंदा रखा. ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस वॉज द मैच जिसमें AEW के फैंस ने प्रोपेगेंडा निकलवा दिया था कि भाई साहब कोई इंटरेस्टेड नहीं है. एंड आई कैन से दैट दिस वॉज द बेस्ट मैच ऑफ द नाइट. इट हैज टू बी वन ऑफ माई फेवरेट्स इन ऑल ऑफ स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट हिस्ट्री, बिकॉज वट एवर दीज टू गेव इज वॉज जस्ट फिनोमिनल एंटरटेनमेंट की पीक. आई डोंट नो कि क्या कहना चाहिए. आई हैव नॉट सीन द रिएक्शन येट कि भाई सब लोग कैसा फील कर रहे हैं, जजिंग बाय द कि हाँ भैया ये अच्छा गया. आई थिंक ट्विटर पर ऑलरेडी अपोजिट रिएक्शन होगा कि अरे भाई ये क्या टट्टी था. हाउएवर मैं ये कहूँगा कि एक जो डिसअपॉइंटिंग मोमेंट आया था वो तब जब ब्रॉक लेसनर ने ट्रैक्टर के आगे वाली जो चीज़ होती है उस पर रोमन रेंस को उठा के वहां से गिराया था. मेरे को लगा कि वो ऑल एलीट रेसलिंग मोमेंट था, बट उसके बाद तो भाई फाड़ दिया यार. यार क्या बोलूं, मेरे को समझ में नहीं आता ऐसे मोमेंट्स में ऐसे क्या शब्द हो. कि पहले तो उसने भाई साहब अंदर रिंग के अंदर जो मूव्स हुए, मेरे को ऐसा लगा कि रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का ये बेस्ट मैच था. आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग अग्री करोगे डिसएग्री करोगे, बट फॉर मी अगर मेरे को ये इनकी सागा देखनी होगी, मेरे को ये बताना होगा कि इनका मेरे को कौन सा बेस्ट मैच लगा, इट हैज टू बी दिस मैच. हियर दे जस्ट डिस्ट्रॉय everything, and when I say destroyed I mean literally and figuratively both. पहली बात तो यार ये finale था इनकी rivalry का, last match था, I think उसकी वजह से और भी ज़्यादा excitement थी. and मैं ये कहूँगा कि उन्होंने जो अपना वो एक persona था कि हाँ भाई साहब किस तरह से इस match की इतनी hype है, उसको live up किया, लोगों को entertainment दिया जो कि वो deserve करते हैं. and the best moment came जब Brock Lesnar ने ring उखाड़ दी. I have तो क्या ही बोल रहा हूँ, जब हुआ ही नहीं है तो तुम कैसे देखोगे. ब्रॉक लेसनर ने ट्रैक्टर से लिटरली रिंग को पहले धक्का मारा, जो कि धक्का नहीं लगना था, ऑफकोर्स वो उठानी थी, धक्का लगा, आगे खिसकी, रेफरी बाहर गया और रिंग को उठा दिया. रोमन रेंस लोट पोट होके नीचे गिर गए. दैट हैज टू बी द होली शिट मोमेंट ऑफ द ईयर. आई डोंट नो व्हाट टू से आफ्टर दिस. And it was crazy, man. But Roman Reigns versus Brock Lesnar just did it. They just did the finale amazingly, है ना. It was just like one of those web series जिसका finale आपको इतना पसंद आ जाता है. It has to be Roman Reigns versus Brock Lesnar. कि हाँ भाई साहब मज़ा आ गया rivalry को जो end किया है. And अभी तो winner का तो छोड़ो, उसके पहले उसके मतलब ring टूटने के बाद भी backstage ring side पे इतना लड़े. Roman Reigns को बहुत फोड़ा, Brock Lesnar को बहुत फोड़ा, बहुत ट्राई किया. देन ए टाउन को जो थीम बजा कि भाई साहब ऑस्टिन थ्योरी आ रहा है कैश इन करने के लिए, हालांकि हो नहीं पाया क्योंकि सिर्फ रोमन रेंस को अटैक करा. अगर ब्रॉक लेसनर को भी अटैक करते देयर वाज अ चांस, बट आई गेस थ्योरी आज बिना टाइटल्स के गया. बट द बेस्ट पार्ट इज के ब्रीफकेस अभी भी यूज नहीं हुआ है, तो उस चीज के लिए हम खुश रह सकते हैं. बट ओवरऑल आई थिंक रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर ने, आई थिंक रोमन रेंस स्पेशली जिसने इतना बड़ा ब्रेक लिया था बीच में, वो पूरा ब्रेक मेरे हिसाब से सब सम अप कर दिया. एंड After the end of the show, he just said who is literally the best wrestling champion.
चैंपियन इन द वर्ल्ड. देर इज नो एनी अदर कंपनी जो कि रोमन रेंस के लेवल पे चैंपियन को ला सकती है. आप अपने कितनी भी टॉय चैंपियनशिप्स अपने चैंपियंस को दे दो, देर इज नो बॉडी हु कैन कम क्लोज टू रोमन रेंस. वट ही कैन डू, वट ही डिड, ही शोड यू वट रेसलिंग इज. स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट प्लस रेसलिंग ब्रो. रोमन रेंस वर्सेज ब्रॉक लेसनर, इट वॉज फ्रीकिंग ऑसम. सो आई रियली लव्ड इट. आई थिंक मैं इस मैच को डेफिनेटली 5 स्टार देने वाला हूँ. मेरे को इस मैच को दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं है. इसको मैं ऑलरेडी 5 स्टार घोषित करता हूँ अपनी तरफ से. सो देर यू गो, 1 स्टार रेटिंग, मतलब एक मैच की जो स्टार रेटिंग है वो ऑलरेडी आपको पहले ही पता चल चुकी है कि इस मैच को 5 स्टार देने वाला हूँ. और इस पर और भी डेप्थ में बात करेंगे जब दोबारा से देखेंगे, जब स्टार रेटिंग बनाएंगे. तो ओवरऑल आई थिंक आज की समर स्लैम जो थी भाई साहब, एडरेनलिन जो भी होता है वो फुल, मतलब जो दिल के अंदर जो मीटर होता है ना, मेरे हिसाब से वो बहुत तेज धड़क रहा है. बिकॉज आई हैव नेवर विटनेस एनीथिंग लाइक दिस. मतलब रेसलमेनिया 38 डेफिनेटली उसके लेवल का गया है आज समर स्लैम. आई डोंट नो मैन कि क्या रिएक्शन है. आई एम रियली एक्साइटेड टू सी योर गाइज रिएक्शन. कि भाई कॉमेंट्स में लिख के बताओ भाई क्या चल रहा है यार. और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो.